तो फायरबोल्ट की इनविंसिबल प्लस को तो काफी सारे लोगों ने प्यार दिया था क्योंकि उसमें स्टोरेज वोरेज देखने को मिल जाती है और काफी सारे एमोलेड वगैरह उसमें प्रोवाइड कर रखे थे। तो उसी के लिए यहाँ पर अभी नया वॉच आ गया है फायरबोल्ट का, इसका नाम है डायमंड। लग्जरी एडिशन में ये स्मार्ट वॉच है, दिखने में तो काफी अमेजिंग लग रही है, बट फीचर के मामले में भी काफी वॉच जो है इंटरेस्टिंग बन जाती है। फटाफट इसके बारे में बातचीत शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कंटेंट अच्छा लगे भाई का तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डब्बे की बात करें, डब्बे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, कंटेंट के हाईलाइट्स देखने को मिलेंगे। पैकेज की बात करें, पैकेज में वही आपको कुछ कार्ड देखने को मिल जाते हैं, फायरबोल्ट जैसे कुछ गिफ्ट कार्ड दे रखे हैं, एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा, एक आपको मैनुअल मिल जाएगी, साथ में आपको चार्जिंग केबल प्रोवाइड कर रखी है और एक आपको मिल जाएगा टूल जिससे आप इसकी चेन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। वॉच की बात करूंगा सीधे में, क्योंकि सीधे जो वॉच का डिजाइन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो क्लासिक वॉच का फील होता है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पर्सनली डिजाइन से मैं बहुत इंप्रेस हुआ, आपको यहाँ पर सारी चीजें बहुत प्रॉपर देखने को मिलती है, फिनिश जो है वो बहुत प्रॉपर देखने को मिलती है। मेटल फ्रेम देखने को मिलेगी आपको, टॉप पे आपको ग्लास दे रखा है, साइड में आपके तीन बटन प्रोवाइड कर रखे हैं। रोटेटिंग क्राउन वाली चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट रोटेटिंग क्राउन यहाँ पर नहीं है, तीनों जो है आपके पुश बटन के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं। वहीं आपको यहाँ पर नीचे जो है आपका सेंसर वगैरह नजर आ जाएंगे। ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट का डिजाइन थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। अच्छा, चेन वाले बेल्ट आपने देखे होंगे ना नॉर्मली जो आते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग है और इसकी फिनिश भी काफी अच्छी लग रही है और फील भी काफी अच्छा दे रहा है। और एक जो सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि आपके हाथ में ना लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, वाले थोड़े से बेल्ट में ना एजेस ज्यादा थे तो वो ऐसा होता था कि कभी कभार लग सकती थी आपको, बट यहाँ पर जो फिनिश है वो काफी अच्छी लग रही है इस बेल्ट की। प्लस आपको जो लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है वो भी अच्छा है, तो ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बात की थी कि अगर आपको साइज छोटा करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा कर रखा है अपने रिस्क के हिसाब से, तो आप भी उस तरीके से इसको कर सकते हो। तो नो डाउट बेल्ट और डिजाइन आपको काफी सॉलिड मिलेगी यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है इसकी, इसका डिस्प्ले बहुत अमेजिंग है, 1.43 इंच का आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। और एमोलेड डिस्प्ले की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ब्लैक्स प्रॉपर आते हैं, शार्पनेस काफी अच्छी रहती है, कलर्स काफी ब्राइट आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर है। साथ ही साथ इसमें जो पिक्सल रिजोल्यूशन यूज कर रहे हैं वो भी काफी अच्छे रखे, तो 466x466 पिक्सल रिजोल्यूशन मिलता है, तो डिस्प्ले में शार्पनेस अच्छी मिलेगी। फोटोज वगैरह लगाओगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि फट रहे हैं, क्लैरिटी जो है आपको बहुत प्रॉपर देखने को मिलेगी, तो हाँ ये एक मैटर करती ही चीज है। अब ब्राइटनेस को लेकर बात करूं तो ब्राइटनेस भी आपको मोर देन इनफ मिल जाती है। आउटडोर सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लाइट गिर रही होती है तो वहां पे दिक्कतें आती है, बट इस वॉच में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसकी ब्राइटनेस मोर देन इनफ आपको मिल जाती है और अच्छा फील ये वॉच बना देती है। अब रही वाटर रेटिंग को लेकर, तो IP67 रेटेड है ये, मतलब आपको यहाँ पर स्प्लैश रेजिस्टेंस मिल जाता है, और इवन अगर आप शावर में पहन रहे हो, बारिश में पहन रहे हो, पहन सकते हो, बेफिक्र होकर पहन सकते हो। स्विमिंग पूल में जा रहे हो, स्विमिंग पूल में डेप्थ में नहीं सकते, अगर स्विमिंग पूल में आप ऊपर अगर फ्लोट कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, बट अगर आप गहराइयों में जाएंगे तो चांसेस बन सकते हैं कि ये वॉच आपकी खराब हो सकती है। बाकी बैक में आपके सेंसर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, आपका एसपीड हो गया, आपका HR हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, तो वो तीनों सेंसर यहां पे बैक में आपको दे रखे हैं। अब मेजर बात कहां आती है बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि बैटरी परफॉर्मेंस एक मेजर कंसर्न भी होता है, क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हैं वॉच को तो कम से कम हफ्ते भर तो लास्ट करना चाहिए। कंपनी क्लेम करती है कि 7 दिन तक चल जाएगी, बट क्योंकि देखो यूजेज पर डिपेंड करता है, आप अगर एक्सट्रीम सारे फीचर्स का इस्तेमाल करोगे लाइक फॉर कॉलिंग यूज कर रहे हो तो आप 2 दिन से ज्यादा की परफॉर्मेंस यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट नॉन कॉलिंग फंक्शन के साथ अगर आप वॉच यूज कर रहे हो तो आप यहाँ 4 से 5 दिन तक की परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब काफी सारे लोग डिस्प्ले में एक चीज को लेकर बहुत बोलते हैं कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको वॉच में दे रखा है, और यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के आपको ऑप्शन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिल्ट इन स्टोरेज दे रखी है तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है ऑप्शन प्रोवाइड कर रखी है, और ब्राइट इनफ आपको जो है AOD यहाँ पे मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मैंने AOD लगा रखा है वो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट AODs हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट इन सबसे भी ज्यादा मैटर क्या करता है, देखो UI एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बेहतर बनाती है, और अगर इंटरेक्शन बेहतर होगा वॉच के साथ तो आपको जो है वॉच की प्रीमियमनेस का ही पता लगता है। तो यहाँ पर जो वॉच में UI यूज कर रखी है वो डेफिनेटली आपको अच्छी मिलती है, ब्राइट कलरफुल मिलती है, और अच्छा आपको यहाँ पर जो है थीम दे रखा हुआ है। तो टॉप से आप करेंगे आप यहाँ पे तो आपके सारे टॉगल्स आपको नजर आ जाते हैं, बॉटम करने पर आपकी नोटिफिकेशन रीड हो जाएंगी, राइट साइड से स्वाइप अप करने पर आपकी जितनी भी हेल्थ ट्रैकिंग है वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, अदर साइड से करने पर आपकी सेम चीज यहाँ पे अपेयर हो जाती है, और वॉच फेसेस चेंज करना है तो जैसे कि यहाँ पर आप टच करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो वॉच फेस दे रखे हैं आप उनमें जो है अपने लिए वॉच फेस लगा सकते हैं, तो ऐसे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। UI बहुत ज्यादा स्मूथ वर्क करती है और अच्छी भी लग रही है, मतलब एनिमेशन वगैरह जो ट्रांजिशन है वो भी काफी आपको स्मूथ यहाँ पर लगेंगे। अच्छा हम लोग फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे कि 300 से भी ज्यादा आपको स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड कर रखे हैं, और जब आप एक्टिविटी को लेकर बात करते हैं तो छोटी से लेकर बड़ी एक्टिविटी आप इससे ट्रैक कर सकते हैं। लाइक फॉर अगर आप बॉलिंग कर रहे हो या फिर आप क्रिकेट खेल
खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, जिम में अगर हेवी डंबल्स उठा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल कर रखी हैं। मोड्स का यूज़ करें तो आपको बेहतर ट्रैकिंग भी देखने को मिलती है और आपके रिकॉर्ड्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए कहीं ना कहीं बेटर भी होता है। अब बाकी देखो, आपके सेंसर दे रखे हैं SPO2 के लिए, HR के लिए, और आपकी जो रीडिंग यहाँ पर निकल कर आती है वो भी क्लोज टू क्लोज आपको मिल जाती है, दिक्कत नहीं आएगी। बट मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन रहा है सभी चीज़ों को लेकर कि अगर आपकी हेल्थ में कंसर्न है, दिक्कतें ज़्यादा आ रही है, तो आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट यूज़ करें। वॉच आपको सिर्फ टेंटेटिव आइडिया देती है। अब बाकी देखोगे आप तो यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटरिंग मिल जाएगा, कितना आपने हार्ड स्लीप किया, लाइट स्लीप किया, वो आपको नजर आ जाता है। डिफरेंट आपको यहाँ पे जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री वगैरह चेक कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, जो आपने इवेंट एक्टिविटीज करी हैं। म्यूजिक कंट्रोल अवेलेबल कर रखा है। म्यूजिक कंट्रोल में यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पर आपको बिल्ट इन स्टोरेज प्रोवाइड कर रखी है, तो 4 GB की बिल्ट इन स्टोरेज है, तो आप अपने यहाँ पर पसंदीदा गाने, फेवरेट सॉन्ग जो है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और जिसका स्पीकर है वो परफॉर्मेंस कैसे देता है वो भी आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो म्यूजिक स्टोरेज के ऑप्शन दे रखा है वो कहीं ना कहीं एसेंशियल हो जाता है। जब आप अपने फोन को कैरी नहीं करना चाहते हैं तो आप वॉच कैरी करके भी म्यूजिक वगैरह जो है एंजॉय कर सकते हो अपने ईयरबड्स वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन दे रखा है, तो हेडफोन, स्पीकर वगैरह या फिर ईयरबड्स कनेक्ट करना तो आप इसीलिए कर सकते हो। वेदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है यहाँ पर, डायल पैड दे रखा है, कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं, रिसेंट दे रखा है। अभी तीनों चीज़ का यूज़ आता है कॉलिंग फंक्शनैलिटी को लेकर, तो कॉलिंग फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट करती है वॉच। माइक्रोफोन और स्पीकर आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो क्वालिटी किस तरह की मिलती है वो अपन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो इस वॉच के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये वॉच देगी जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। अब बाकी चीज़ों के लेके बात करूँ तो मैसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, AI वॉइस का असिस्टेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ताकि अगर आप अपने फोन को वेक करना चाहते हैं, कुछ कमांड देना चाहते हो, तो आप यहाँ वॉच के थ्रू कर सकते हैं। कैलकुलेटर भी अवेलेबल कर रखा है, तो कैलकुलेटर वाली चीज़ आपको मिल जाती है, तो ऑन को आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी आपका स्टॉप वॉच हो गया, अलार्म हो गया, टाइमर हो गया, जो बेसिक चीज़ें होती है वो तो दे रखी हैं। इवन यहाँ पर आपको रिकॉर्डर भी प्रोवाइड कर रखा है, तो इनकेस अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करनी है तो वो चीज़ आप अपनी वॉच में कर सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन पार्ट हो जाता है। स्पेशली जैसे कभी कभी डीलिंग कर रहे हो आप, कुछ ऐसी चीजें जो आप डिस्कस करके सेव करना चाहते हैं और आप अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं, तो वो आप अपने वॉच में भी कर पाओगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन आपको दे रखा है, गेम्स प्रोवाइड कर रखे हैं यहाँ पे, गेम्स भी काफी सारे आपको अवेलेबल कर रखे हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हो। बाकी आपका फ्लैशलाइट आपका ऑप्शन दे रखा है, फाइंड डिवाइस, अपने वॉच से ही फोन को ढूंढ सकते हो। कैमरा कंट्रोल भी मिल रखा है, तो आप अपने फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो। सेटिंग्स में चलते हो, सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले की सेटिंग मिलेगी सबसे पहले, जहां पे क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन दे रखा है। आइडल क्लॉक यानी कि आपके जो इसमें AODs दे रखे हैं उनको चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। स्क्रीन ऑफ ऑलवेज ऑन जो है आपको ऑन ऑफ करना है तो वो कर सकते हो। वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ बढ़ानी तो वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है, और Level 3 पे जो वाइब्रेशन फीडबैक आ रहा है इस वॉच से काफी तगड़ा और काफी अच्छा है। टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, डिफरेंट मोड यहाँ पे व्यू मोड प्रोवाइड कर रखे हैं, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दे रखा है, पावर सेविंग मोड है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन वाली चीज से एटलीस्ट हमारे जो प्राइवेट SMS वगैरह हैं, OTPs वगैरह हैं, वो कोई और रीड नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग वॉच उतार के चार्जिंग पे लगाते हैं, आपके कोई भी पोटेंशियल डाटा को रीड कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न बन सकता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। USB मोड मिल जाएगा, तो अगर आप USB मोड में जाएंगे तो यहाँ पे मास स्टोरेज पे स्विच कर लेना, तो आपको अपने गाने वगैरह डालने में हेल्प हो जाएगी। तो ये तो हो गई यहाँ पे सेटिंग्स और फीचर्स को लेकर बात। वॉच की जो एप्लीकेशन है वो आप सभी जानते हैं, यहाँ पर फायरबोल्ट की आपको एक खुद की एप्लीकेशन मिल जाती है, इसका नाम है इनविंसिबल प्लस। इस वॉच की एप्लीकेशन को आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ट्रैकिंग, सारे रिकॉर्ड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन में आपको इवन फोटोज वगैरह ऐड करने का ऑप्शन भी दे रखा है, तो खुद की फोटो लगा सकते हो। वॉच फेसेस दे रखे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कॉन्टैक्ट्स वगैरह डालने हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। 100 कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पर जो है वॉच में सेव कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो बेहतर पार्ट आपके लिए बन जाता है। और अच्छी बात मुझे ये भी लगी, स्टोरेज प्रोवाइड कर रखी, तो 100 से ज़्यादा वॉच फेसेस आपको वॉच में ही अवेलेबल कर रखे, तो आपको अपनी वॉच के एप्लीकेशन से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वॉच में ही चेंज कर सकते हो। अब इन ओवरऑल टर्म्स वॉच को लेकर मैं बात करूँ तो उसकी जो लॉन्च प्राइसिंग है 5,000 रुपीज रखी है, और 5,000 रुपीज के प्राइसिंग में डेफिनेटली एक परफेक्ट स्मार्ट वॉच उन लोगों के लिए बन जाती है जिनको स्टोरेज चाहिए, कैमरा डिस्प्ले चाहिए, प्लस एक लग्जरी लुक चाहिए, और ये वॉच बिल्कुल आपको क्लासिक वाइब देती है। और अगर आप इस तरह की वॉच देख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए वॉच है। इसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, चेकआउट करना है तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाई को प्यार देना पड़ेगा जाते जाते, तो उसके लिए लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, कमेंट आते खुशी मिलती है। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।